असलम माई यूट्यूब फैमिली वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम बैक इन एंड अनदर वीडियो सो आज का वीडियो ब्लॉग वीडियो है एंड जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने किचन में आ गई हूँ ये सुबह के करीब एट फोटी फाइव होगा एंड अब मैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आ, मैं एक्चुअली उठी थी आठ बजे बट थोड़ा बहुत मैं अपना वर्कआउट बॉडी स्ट्रेचिंग एंड यू नो और भी जो बहुत सारे काम होते हैं वो सब वर्क के मैं फिर किचन में आई और अभी मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं अपना ये बन को मेरे को ग्रिल करना है सेकना है एंड ये मेरा ब्लैक डेकर का ग्रिल मशीन है इसमें हम अपना सैंडविच हो गया फिश को ग्रिल करना या चिकन ग्रिल करना या इस तरीके से बन वगैरह सेकना तो वो सब करते बहुत अच्छा इसमें हो जाता है तो अभी मैं इसमें अपना बटर स्प्रेड कर रही हूँ बटर लगा के देन मैं इसमें इसको अच्छे से ये मतलब सीख जाएगा ग्रिल हो जाएगा फिर आज का ये मेरा ब्रेकफास्ट है एक साइड पर मैंने अपनी चाय रख रखी है तो वो मेरी चाय साइड पे रेडी हो रही है तो आप सोच रहे होंगे मैं आठ बजे उठी लेट उठी तो एक्चुअली मैं सुबह भी उठी फजर में उठी फिर दोबारा से सो गई तो जब दोबारा से सोई तो फिर ऐसे आठ बजे उठी तो आप देखिए कितना अच्छा सा ये मेरा मतलब सीख गया है और मैं फिर से इसमें अपनी बटर लगा रही हूँ तो मैं दोबारा से सोई और फिर मैं ऐसे आठ बजे उठी फिर अपना बहुत से और फ्रेश होना ब्रश करना और सारे जो काम होते हैं करवर के फिर मैं किचन आती हूँ किचन साफ़ साफ करती हूँ पहले पूरा साफ़ वाफ करके देन अपना ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ चाय रखती हूँ एक साइड में तो अभी देख सकते हैं मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया मेरी चाय पर मत जाइए मैं इतनी सारी चाय नहीं पीती हूँ बट आज ज्यादा बन गई थी तो मैंने ले ली ठीक है तो अभी ये ब्रेकफास्ट मैं कर रही हूँ आज का ये ब्रेकफास्ट है कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं और ये जो बन मैंने खाई तो इसको खाने के बाद मैं आपसे क्या बताऊँ मुझे दोपहर में नींद सॉरी मुझे दोपहर में भूख ही नहीं लगी ये इतना हैवी मतलब किया जाके आ, बहुत हैवी हो गया था ब्रेकफास्ट आज का तो दोपहर में मुझे भूख नहीं लगी तो मैंने खाना ही नहीं खाया और फिर मैं करीब ये ढाई बजे के करीब मैं अपना ये तरबूज कट कर रही हूँ मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था तो अभी मैं इसको कट कर रही हूँ और कट करके इसको खाऊंगी तो ये बहुत मीठा तो नहीं मिला बाद में ये लोग कहते हैं मीठा है मीठा है, है जब ले लो तो अंदर से इतना मीठा नहीं होता है तो बट कोई नहीं मन कर रहा था तो फिर मैंने फ्रिज से निकाल के इसको कट किया अभी मैं पीसेस कर रही हूँ आप देख रहे हैं मैं छिलका उतारना भूल गई हूँ बस पीसेस ही कर रही हूँ तो चलो मैं अभी फिर फिर से इसका पीछे से सारे छिलके कट कर दूँगी तो ये मेरा दोपहर का आज का लंच है एंड एक्चुअली बेकरी गई थी तो वहाँ से बहुत सारे मैं बंद हो गया पाव वाली बंद होगी ब्रेड ये सारे बेकरी के सामान काफ़ी ले आए थे तो फ्रिज में स्टॉक करके रखे हुए तो वो नाश्ते में आजकल मॉर्निंग में ऐसे खा लेते हैं तो थोड़ा सा इजी होता है कि कुछ और बनाना नहीं होता तो आ, क्या नाम है यहाँ पर मैं अपना काला नमक छिड़क रही हूँ और फिर मैं इसको खाऊँगी बैठ आराम से और फिर लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं दोपहर में सोते हैं नींद आई तो ठीक और नहीं आई तो फिर मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ तो फिर असर में उठते हैं देन देनाजान नमाज का टाइम हो जाता है तो अभी मैं यहाँ पर अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ कुछ ना कुछ 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 दिन के ब्रेक पर मैं कोई ना कोई एक ड्रामा पकड़ लेती हूँ और फिर मैं उसको देखती हूँ तो मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ और साथ के साथ तो बस इसके बाद लेटूंगी थोड़ा रेस्ट करूंगी दोपहर में वैसे भी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए अच्छा होता है एंड बस नींद आएगी तो ठीक नहीं आई तो मैं अपना और ऐसे ही मोबाइल में वीडियोस वगैरह एडिट करूँगी ठीक है सो so, अभी यहाँ पर ये शाम के करीब साढ़े पाँच बजी हुई है और मेरा ना एक मिंत्रा से ऑर्डर आया था मैंने ड्रेस ऑर्डर किया था तो वो मैं लेने आई हूँ और इसको मैं नहीं दिखाऊंगी इस व्लॉग में इसके लिए एक अलग से मेरा हॉल वीडियो आता है तो वो मैं जो कुर्ता सेट हॉल दिखाती हूँ तो उसमें आप देखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ठीक है और अभी ये रात के करीब सात बज रही है एंड यहाँ पर अब ये डिनर की तैयारी हो रही है तो ये यहाँ पे ना भिंडी बना रहे हैं प्याज लाल करके खूब सारा टमाटर और भिंडी में कुछ थोड़ा हल्दी थोड़ा सा ये धनिया एक चम्मच और एक वो क्या बोलते हैं उसको गरम मसाला जो रेडीमेड वाला होता है थोड़े थोड़े वो सब डाल दिए हैं हरी मिर्च डाली है टमाटर खूब सारी डाली है प्याज खूब सारी है इसमें भिंडी डालेंगे तो कुछ कुछ ये भिंडी की भिंडी की कलौजी जैसा ये बनेगा और बहुत टेस्टी बनती है ऐसे भिंडी अगर नहीं बनाई है तो ट्राई करिएगा बहुत यम्मी बनती है आप पराठे के साथ खाइए या फिर ऐसे रोटी के साथ तो मतलब बहुत यम्मी बनती है अच्छा ग्रीन सब्ज़ियाँ कितनी अच्छी लगती हैं देखने में इस बार ही हमारे घर में जो है मतलब जो सब्जी का बाज़ार होता है मंडी होती है वहाँ से खूब सारी हरी हरी सब्जियाँ मतलब स्टॉक में आ गई तो फ्रिज में स्टोर करके रख लीं तो वो हर दिन कुछ नई नई सब्जियां बनती रहती हैं घर में और अच्छा भी लगता है रात में स्पेशली रात में तो मतलब हल्का ही खाने का मन करता है अभी गर्मी आ गई है आप देख सकते कितनी मतलब देखने में यमी लग रही है एंड ट्रस्ट नहीं खाने में भी बहुत यमी थी और इसमें ये खटाई तो ज़रूर डाला कर आम की अच्छा मेरे घर में ये अब आम का मौसम है तो पुदीने की आम पुदीने की चटनी भी पीस के रखी हुई है इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला हुआ है तो ये चटनी बहुत लजीज होती है बेसन की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है ये वाली चटनी बेसन की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है तो चटनी और फिर एक ना गल का आम का गलका बनता है खट्टे आम का तो उसमें से कुछ आम का गलका बना लिया था देखिए ये गलका बना हुआ है और कुछ का आ, क्या नाम है वो बना लिया था चटनी तो आप लोग भी ऐसे बना कर रखिये गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है फ्रिज में स्टोर करके बना के ऐसे ना डिब्बे डिब्बे में कंटेनर में करके रखिए तो अच्छा लगता है और रात में तो हल्का खाना ही अच्छा लगता है तो ये मेरा आज का डिनर है मैं एक ही रोटी खाऊंगी क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह से मेरा पेट से जब से वो बन खाया तो इतना हैवी हो गया मुझे जबकि बस बन और बटर ही था और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे बट पता नहीं वो कुछ हैवी होती है पेट में जाके हैवी करती है तो खैर ये मेरा आज का डिनर है और मैं कर रही हूँ और ट्रस्ट मी डिनर बहुत ऐसे डिनर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो बस ये हो गया अब डिनर के बाद जो फ्रिज की बोतल्स वगैरह बॉटल्स भरनी होती हैं तो बस वो भरने का काम कर रही हूँ और इसको रखूंगी फ्रिज में और बस फ्रिज में रख के फिर मैं थोड़ा सा वॉक करती हूँ रात में गर्मियों में स्पेशली ठंड में थोड़ा सा डिले हो जाता है पर जैसे गर्मी आती है तो थोड़ा सा वॉक वॉक करती हूँ सो बस यहां पर मैं अभी वॉक करने लगी हूँ मेरे घर का आंगन है तो मैं यहीं पर ऐसे दो च... कुछ चक्कर लगा लेती हूँ वॉक हो जाती है थोड़ा सा खाना डाइजेस्ट हो जाता है एंड सो so, uh, दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो होप कि आपको पसंद आया होगा आपने uh, पसंद किया होगा एंड इफ यू लाइक सो लाइक माय वीडियो एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए शेयर करिए कमेंट करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए खुश रहिए बी हैप्पी बी हेल्दी बी सेफ अला हाफ बाय